ये जब ये पार्टी और परिवार टूटी थी तो प्राइवेट का नहीं था ये चीज़ का, तो बाकायदा उन्होंने पशुपति कुमार पारस जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था सब कुछ, बहुत आदर सम्मान है उनका। लेकिन जब भी आप आ करके रामविलास पासवान जी की जो विरासत है, आप जो उनके गुण रहे हैं, जो आज उनके मूल्यों पर उद्देश्यों पर चल रहा हो, आप उसी को देने की बात करें, आप इसको किसी भी तरह से पारस जी की तरफ मत धकेले। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पारिवारिक लड़ाई नहीं, ये बात पिछले 3 सालों से है। ये जब ये पार्टी और परिवार टूटी थी तो प्राइवेट में तो टूटा नहीं था ये चीज़ का, तो बाकायदा उन्होंने पशुपति कुमार पारस जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था सब कुछ। तो ऐसे में ये कहूँगा मैं कि जीतन राम मांझी जी हमारे बहुत सीनियर हैं, बहुत पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत आदर सम्मान है उनका। लेकिन जब भी आप आ करके रामविलास पासवान जी की जो विरासत है, आप जो उनके गुण रहे हैं, जो आज उनके मूल्यों पर उद्देश्यों पर चल रहा हो, आप उसी को देने की बात करें, आप इसको किसी भी तरह से पारस जी की तरफ मत धकेलें। ये अगर एक परिवार का झगड़ा है तो इसमें परिवार के झगड़े में परिवार के लोग ही इसको बैठ करके सुलझाएंगे, इसमें किसी तीसरे की जगह नहीं। झारखंड में आप प्रभारी बनाए गए हैं, झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में एनडीए से क्या सहमति मिल गई है? लोजपा रामविलास को कितने सीट मिलेंगे? लोजपा रामविलास झारखंड के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी और हमारी गठबंधन में बात चल रही है सीटों को लेकर के। एक बार जब सहमति बन जाएगी तो आपको भी उसकी जानकारी दे दी जाएगी। सीटों पर लड़ने की आप लोगों की मांग, ये एक बार आपसी तय हो जाए इसके बाद आप लोगों को जानकारी देंगे। तब क्या रास्ता है? अभी हम लोग भविष्य का कोई भी कयास नहीं लगा रहे हैं, अभी हम लोग चाहते हैं कि गठबंधन में ही लड़ें, इसलिए गठबंधन में जब बातचीत पूरी हो जाएगी तब आप लोग को भी हम आकर के जानकारी साझा करेंगे कि हम कितनी सीटों पर। संभावना कब तक है? जो कि विधानसभा चुनाव में हेमंता बिस्व शर्मा से बातचीत भी हुई है। जी इस बारे में गठबंधन में बातचीत चल रही है, एक बार बातें जब पूरी हो जाएंगी गठबंधन, क्योंकि मैं हम लोग सिर्फ गठबंधन में लोजपा ही नहीं है, उसमें अलग अलग और भी दल है, आजसू भी है, जदयू भी है, एक बार सबकी बातचीत पूरी हो जाएगी तब आप लोग को इस बारे में सारी जानकारी दे दी जाएगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।